इसमें एक तो उसमें आपने दो चीजें फ्री की थी, हेल्थ एंड एजुकेशन, उसमें जस्टिस और इंक्लूड कर लें जी। अगर आपने अपने शास्त्र पढ़े हो तो ये तीनों चीजें बिल्कुल फ्री होती थी, ठीक है। और चौथा वार्ता, वार्ता का मतलब आप समझ रहे हैं? नहीं, वार्ता का मतलब रोजगार, जो हमारे चाहे आप वेद पढ़ लें या उपनिषद पढ़ लें, सब में लिखा है। तो वार्ता, तो चार चीजें यही। एक और चीज बताता हूँ आपको, अंग्रेजों ने नकल उतारी, अधिकतर भेड़ बकरी चलाने वाले लोग थे, आपको पता है शुरू में, बाद में तो हम लोग हो रहे हैं भेड़ बकरी चलाने वाले। तो इन्होंने सब जगह से चुराया, पूरी दुनिया से, हमसे सबसे ज्यादा चुराया शायद। तो इसमें जो चार लोकतंत्र के खंभे बताते हैं लोग, क्या क्या है लोकतंत्र के चार खंभे बताते हैं पूरी दुनिया में, पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका और मीडिया। जबकि आपको पता है मीडिया तो खुद लोकतंत्र की बिल्डिंग पे वजन है, ठीक है। और ये तीन जो है एक ही जो आपके वो है न्याय व्यवस्था, उसके अंग है भाई। विधायिका कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव उसको एक्शन में लाती है, और जुडिशरी सही या गलत के हिसाब से निर्णय देती है। तो न्याय व्यवस्था के अंग है तीनों, पर गुंडागर्दी इनकी चलती रही, ताकत थी, डंडा था, तो इन्होंने तीन खंभे बना दिए। तो एक खंभा है सिर्फ न्याय, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है शिक्षा, भी बिना शिक्षा के बिना स्वास्थ्य कैसे लोकतंत्र चलेगा, और चौथा है रोजगार यानी वार्ता। तो जो ये चार खंभे हमारे हिसाब से होंगे, और इस पे मतलब सभी लोगों का जो टॉप लेवल पे है, खासतौर पे जो आपके पीके मिश्रा जैसे लोग जो एग्जामिनर हैं, जब उन्होंने मेरा ये पढ़ा था कुछ साल पहले, तो उन्होंने सीधे सुबह मुझे 5:45 फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब हम तो साला अपने यूपीएससी में भी एग्जाम लेते हैं तो यही बताते हैं चारों खंभे। और एक्सीलेंट का कमेंट भी पीछे बाद में पढ़ा था मैंने, जब फ़ोन कट गया तो एक्सीलेंट पहले लिख रखा। तो ये हमारे शास्त्रों का है, मेरा कुछ नहीं है इसमें, यही बता दूंगा आपको, है ना। सिर्फ चिंतन मनन किया है, और ये चार लोकतंत्र के खंभे होंगे हमारे, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय और चौथा रोजगार। और ये चारों बिल्कुल फ्री, यानी यूपीएससी में जो एग्जाम है या पब्लिक सर्विस कमीशन में है या आपके यहाँ आपके प्राइवेट सेक्टर में, तो आपने फॉर्म भरने के 50 रुपए या 100 या 500 हजार, खत्म। फ्री सबकी, सब ऑनलाइन फ्री भेजे, है ना। और ये चार चीजों में कोई पैसा लगेगा किसी का भी। और ये कितना बड़ा ठगी की है हमारे साथ, मैं हेल्थ के ही आदमी हूँ, बताया मैंने शुरू में, तो ये कितनी बड़ी ठगी की इसने, जो डेथ हो गई जिसकी फाइनेंस मिनिस्टर था, है ना, आपका जेटली है। और दूसरा ये मोदी, इन्होंने हेल्थ व्यवस्था को, हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था को हाईजैक कर लिया और इंश्योरेंस कंपनियों की जेब में डाल दिया। बिल्कुल सही है। और वो बहुत बड़ा फ्रॉड है आयुष्मान भारत। आज तक मेरठ में, मैं तो 4 साल हो गए रिटायर हुए, आज तक आयुष्मान कार्ड नहीं बने लोगों के, और 2011 की बीपीएल लिस्ट उसके हिसाब से नहीं बने। मेरी नौकरानी 25 साल में कोशिश कर रहा हूँ, बीपीएल कार्ड नहीं बन पाया उसका। मैं उधर तो जिनके जिनका बना है, कुछ लोगों को उन्हें फायदा मिल रहा है, थोड़े से लोग आप देख रहे होंगे। तो ये जो है इसलिए हो रहा है कि हम अपने शास्त्रों के हिसाब से नहीं चल रहे, जो अपने ज्ञान के हिसाब से नहीं चल रहे, या रिसेंट एडवांसेस। अब सिर्फ शास्त्रों को पेलने से कुछ नहीं होगा भाई, जो रिसेंट एडवांसेस है उनका भी हमें ध्यान देना है। ये जो आप कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, या इंटरनेट है भाई, ये उन लोगों का कमाल है, उन लोगों ने इस चीज को डेवलप किया जो डेवलप्ड कंट्रीज माने जाते हैं, तो हमें उनका भी एहसान मानना कि हमारे ज्ञान को लेकर उन्होंने बढ़ाया। और हम कहां गए, हम शिवलिंग ढूंढ रहे हैं मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे, मतलब हमसे बड़ा जाहिल कौन है। और ये कहां से शुरू होता है, अगर आप इसके डेप्थ में जाएंगे तो मैं आपको बताता हूँ, 60s और 70s, उसमें पूरी दुनिया में यहाँ का डॉक्टर, इंजीनियर, मैथमेटिशियन रूल कर रहा था पूरे वर्ल्ड में, और लोग आपको पता है हिंदू बन रहे थे, योग कर रहे थे सब लोग, अंग्रेज, अमेरिकन हो, जर्मन हो, या जितने भी क्लर्जी के लोग हैं, या वो लोग यानी क्रिश्चियनिटी वाले लोग। और इन्होंने यज्ञों को धारण करना शुरू कर दिया, इनको डर लगा, तो इन्होंने एक काम किया जिसमें आपकी आरएसएस, मेरी आरएसएस, सबसे गंदा काम किया 95 में, है ना, 21 सितंबर 95 था, अगर मुझे गलत ध्यान नहीं। इन्होंने सबको वो पत्थरों को दूध पिलाया पूरी दुनिया में, गणेश की मूर्ति को, और हमारी नाक कट गई, क्योंकि 9 महीने की अपॉइंटमेंट लिस्ट मिलती होती थी वहां पर, मतलब
मैं अगर डॉक्टर था या डेंटिस्ट था अच्छा या सर्जन था तो 9 मंथ्स की इलेक्टिव सर्जरी की वेटिंग लिस्ट होती थी हमारे डॉक्टर्स पे। उसके बाद मुंह के बल गिरे, चाइना और अमेरिका या और कंट्रीज के डॉक्टर्स को अपॉइंटमेंट मिलने लगा और हमें कहा कि अनसाइंटिफिक लोग हैं, और लाठी चार्ज होता था, 3-3 मील लंबी लाइनें लगती थी कनाडा में अमेरिका में। वहां भी हमारे डॉक्टर हैं, हमारे देश के पैदा हुए थे। मैं बताता रहा हूँ, वही पत्थर को दूध पिला रहे हैं, तो उन्होंने साबित कर दिया कि भाई ये अनसाइंटिफिक टेम्परमेंट के किन इंडियंस को तुम वो कर रहे हो। तो ये उसमें आरएसएस को यूज किया और आज भी आरएसएस और बीजेपी यूज हो रही है इनके हाथों विदेशी ताकत। ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं इस मीटिंग को आयोजित करने के लिए ढींगरा साहब ने और बलदेव जी ने जो मौका दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और सुधीर अग्रवाल साहब ने कहा कि मैं कंक्लूडिंग बात कहूं, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि 21 लक्ष्यों के साथ जितनी भी बातें आपने कही हैं वो सभी बातें उसमें समाहित हैं, नंबर वन। नंबर टू, यदि हम उसको फ्रेजियोलॉजी में कहें, घोषणाओं के रूप में कहें, तो लगभग 5 घोषणाएं अभी तक क्राइम फ्री भारत कर चुका है और कम से कम 5-6 अभी पाइपलाइन में है, मुझे समय नहीं मिल रहा है उसे लिखने का। तो सबसे बड़ी घोषणा मैं आपको बताता हूं जिसमें इन सब लोगों के जो है ना रिजर्वेशन के सब फड्डे दूर हो जाएंगे। मैंने एक घोषणा ये की है कि ऐसा गरीब परिवार जिसके पास ना शिक्षा है ना हुनर है, उसकी 2029 तक 1,00,000 रुपए प्रति माह की क्रय शक्ति होगी, सॉरी अर्निंग होगी, और 2,00,000 की क्रय शक्ति होगी, ये घोषणा है। और उसको जो है हर चीज दी जाएगी, उसको जो है प्रयोग शिक्षा भी दी जाएगी, हुनर दिया जाएगा, टूल्स दिए जाएंगे, आने जाने के लिए गाड़ी दी जाएगी, कपड़े दिए जाएंगे और आचार व्यवहार भी सिखाया जाएगा, और कोई भी चीज उसे मुफ्त में नहीं दी जाएगी, वो चीज उसके अकाउंट में लोड होगी जिसको हमने डेबिट अकाउंट कहा है। जब उसकी अर्निंग 2,00,000 के ऊपर हो जाएगी तब वो आसान किस्तों में रिकवर होगी, पहला पॉइंट। दूसरा, हमने उसमें कहा है कि किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना हो जाएगी, ये गारंटेड बता रहा हूं मैं। और उनके खेतों में हम करोड़ों रुपए खर्च करेंगे जो किसान से नहीं मांगेंगे, हालांकि भुगतान उसका किसान की तरफ से ही होने वाला है, वो मॉडल में लिखा है, उसका हम ज्यादा इलाबोरेट नहीं करेंगे, हमारे ढेर सारे वीडियो है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। और 10 साल में यदि हम कॉस्ट सेटल कर पाए, क्योंकि हम करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं तो हमें पक्का विश्वास नहीं है कि हम 5 साल में कॉस्ट सेटल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। यदि 5 साल में नहीं होगा तो 7 साल में कॉस्ट सेटल हो जाएगा, और 7 साल में नहीं होगा तो 10 साल में हो जाएगा। 10 साल में किसानों की आमदनी 10 गुना हो जाएगी और उन्हें कोई खर्च नहीं करना होगा, मतलब आमदनी 10 गुना, जेब से पैसा एक में जा रहा है। और भारत में किसी भी व्यक्ति को कर्ज नहीं लेना होगा, भारत में किसी व्यक्ति को टैक्स नहीं देना होगा, इतना पावरफुल मॉडल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं, बहुत सारी चिंताएं वो हवा में विलुप्त होने वाली हैं। हम अभी केवल एक ही चिंता ये करें कि क्या हम ऑब्जेक्टिव बेसिस पे कैंडिडेट को उतार सकते हैं। अब अभी जो है हमारी इसमें भी एक सलाह है कि आम आदमी जो है दुष्ट है, कुछ कहता है, कुछ कर रहा है, तो उसको हमें इसी इकोसिस्टम में आदर्शवाद का भी हम भाषण देंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो हम एकदम उल्टा भाषण दे रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि भाई साहब ये फ्री भी बांट रहे हैं तो अपने पिताजी की नहीं बांट रहे हैं, आप इनसे नेगोशिएट करो, 2000 में हमारा वोट नहीं जाएगा, 10,000 15,000 20,000 3 वोट हैं, चाहिए हमारा वोट तो लो, राइट। और वोट उसको जाना नहीं है, पैसे भी ले लेंगे और वोट नहीं जाएगा, और जो पैसे बांटने वाला है वो जेल भी जाएगा। मैं संजय सिवाल जी को बता दे रहा हूं कि उसकी व्यवस्था भी हमने करके रखी है, तो वो बाद में चुनाव के बाद आपकी हड्डियां तोड़ने नहीं आ पाएगा, इस बात की गारंटी भी मैं ले रहा हूं। पुलिस वाला हूं, ये जो समझ रहे हैं मैं वो वाला पुलिस वाला नहीं हूं, मैं आईजी ऑपरेशंस पुलिस वाला हूं जिसने 130 मिलिटेंट्स को मारा है और बात खुद टेक्नोलॉजी डेवलप करके मारा है। तो ये संजय सिवाल जी को बड़ा गलतफहमी है कि मैं वो एसी चैम्बर में बैठने वाला डीजी हूं। एसी चैम्बर में बैठने वाला डीजी मेरी आवाज में नहीं गरजता है, आपको एक दिख रहा है व्यक्ति बोलने वाला जो रोज जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी जी से कह रहा है कि तुम भी हारोगे,
मेरा आप हर फीड में देखिए, उसमें मैं लिखता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय अमित शाह समेत सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता जिनका अपने बारे में यह मानना है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, मंत्री और मुख्यमंत्री बनना मेरी बापौती है और मेरे बाद मेरे बच्चों की बापौती है, ऐसे बापौती मानने वाले लोग मेरी गारंटी है मतदान के पहले, बाद में नहीं कह रहा हूं, मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लें, कर लेंगे ये बेवश हो जाएंगे। हम आपसे बड़ी छोटी सी चीज मांग रहे हैं, बहुत छोटी सी चीज मांग रहे हैं कि भाई साहब तुम यदि बहुत डरे हुए घबराए हुए हो तो सदस्य की शपथ ले लो, और यदि निडर हो निर्भीक हो तो चंद्रगुप्त की शपथ ले लो, यदि आप लोगों को जोड़ने की मेरिट लिस्ट में आ जाओगे तो टिकट चल के आपके घर में पहुंचेगा, और ये कंपटीशन अभी चूंकि शपथ लोगे तो 5-7 दिन ही है, तो 10 दिन में आप जितने लोगों को जोड़ लोगे उसी की मेरिट लिस्ट बनना है, तो देयर विल बी वेरी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन। मैं चाहूंगा यहां जो लोग बैठे हुए हैं क्या उनसे जुड़े हुए लोगों को जिनको वो टिकट देना चाहते हैं क्या ये दायित्व दे सकते हैं कि क्राइम फ्री भारत का चंद्रगुप्त की शपथ भी ले लें और जाके संगोष्ठी करके लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट में आए, जो मेरिट लिस्ट में आएगा उसको टिकट मिलेगा चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। इस बात के साथ ही मैं एक बार फिर से आपसे आह्वान करता हूं कि यहां पे यदि हम अपना खाता खोल पाएंगे तो हमें 2024 के लिए पैर रखने की जगह मिलेगी, तो ये सोचना कि अभी हम चुपचाप बैठेंगे फिर 2024 आएगा तो 2024 में पूरे राष्ट्र स्तर पे आपको करने में बहुत मुश्किल जाएगा। अभी हम इन 4 या 5 राज्यों में बहुत आसानी से डेंट कर सकते हैं क्योंकि ये सभी दुष्ट हैं, सभी महादुष्ट हैं, ये फ्री भी बांट रहे हैं, दारू बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, पेपर पे इन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है, झूठे सर्वे करा रहे हैं, तो इनके पास तो कुछ भी नहीं है, ना अच्छे कैंडिडेट दे रहे हैं, ना इनकी चुनाव की प्रक्रिया जो है ना ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने डेमोक्रेसी की हत्या कर दी है जिसकी आप में से कोई चर्चा नहीं कर रहा है। जो आपका चुना हुआ व्यक्ति है वो आपको रिप्रेजेंट करने की औकात ही नहीं रखता है, वो इन पार्टियों का बधुआ मजदूर है, वो इनका पार्टियों का बधुआ मजदूर है, वो कुछ करप्शन करके अपना थोड़ा बहुत स्वार्थ तो पूरा कर लेगा लेकिन उसकी इतनी औकात नहीं है कि पार्टी लाइन से हटके आपके हित में एक लाइन बोल दे। मैं देखो अपने उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं कि नूपुर शर्मा ने, यदि किसी ने उनका इंटरव्यू देखा है तो अंडर द ग्रेट प्रोवोकेशन, मतलब उस एंकर जो ना लठ लेके पीछे पड़ा हुआ था, अंडर द ग्रेट प्रोवोकेशन सी वाज कंपेल्ड टू से समथिंग एंड सी सेड समथिंग जो उसने अपने मन से नहीं कही, इनके हदीस का हिस्सा है। मैं सराज भाई यहां पे है, इनसे मैं और आपसे दोनों से पूछ लूंगा कि जो बात मैं कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, तो जो बात हदीस में लिखी हुई है ये राजनीतिक पार्टियां कितनी दुष्ट हैं कि सही बात कहने के लिए उसने उसे उनको प्राइमरी मेंबरशिप से हटा दिया और राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से हटा दिया, और जुडिशरी कितनी दुष्ट है कि उसने अपनी ही कोर्ट का कॉन्टेम्प्ट करते हुए एक भाषण दे डाला, विच इज इन माई माइंड इट इज ए कॉन्टेम्प्ट ऑफ द सेम कोर्ट। मेरे ख्याल से वो जो जज है उसको अपनी कोर्ट के कॉन्टेम्प्ट में जेल भेजना चाहिए, फांसी देना चाहिए, सीधा फांसी। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभारी हूँ कि देखिए यदि हमने एक कदम आगे रखा तो कम से कम एक प्रयास हुआ। मैं आप लोगों से फिर से आह्वान करता हूँ कि मध्य प्रदेश में तो मैं 200% जो है ना 230 सीटों पर लोगों को उसके मूड में हूँ, आप लोग सब लोग जो है ना यदि आगे आएंगे तो संबल मिलेगा, तो आप लोग अपने अपने खर्चे पर पहुंचे और काम वो ही करना है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो आप कह रहे हैं ना वो उसमें है नहीं, अभी से नहीं होगा, तभी तो उसको अपन बात कर लेंगे। नहीं नहीं मैं बात कर लूंगा आपसे, हाँ वो मैं बात कर लूंगा, हदीस की कॉपी दे दूंगा आपको। चलिए एनीवे टू माई नॉलेज इट इज द पार्ट ऑफ द हदीस एंड आई विल गेट द कॉपी एंड विल सप्लाई टू यू। चलिए खैर उस मुद्दे को ज्यादा नहीं, मैं इस मुद्दे पे मैं केवल इतना ही कहना चाहता था कि इतनी दुष्ट राजनीतिक पार्टियां हैं कि अपनी भलाई के लिए ये आपको सेक्रीफाइस कर देंगी, आपको पार्टी लाइन से हटके बोलने की आपकी औकात नहीं है। सभी MLA MP आज जो बैठे सत्ता में वो सब जो है अपनी पार्टी हाई कमांड के बधुआ मजदूर है, जनता के नौकर नहीं है, जनता के शोषक हैं, जनता के नौकर नहीं है, शोषक हैं। और मैं आप सब लोगों का फिर से आभार कर व्यक्त करता हूं
कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला, और मैं ये भी अपेक्षा करता हूं कि यदि तक आप लोगों ने अभी तक यदि क्राइम फ्री भारत को नहीं सुना है तो प्लीज जो है ना डू सब्सक्राइब इट, इट इज हैविंग 4300 ऑडियोज एंड वीडियोज जो हर समस्या को जो है ना खत्म कर देंगे। जो हमारे अग्रवाल साहब ने कहा है वो चार चीजें, मैं उनके बारे में भी थोड़ा ये कहना चाहता हूं, नथिंग विल बी फ्री, बट आपका जो है ना तो चेक बाउंस होगा, ना आपको कर्ज लेना होगा। जब आपकी सब क्षमता बन जाएगी उस समय वो पेमेंट कर दीजिए, ऐसा सिस्टम में व्यवस्था होगी। लिहाजा भाई यू नीड टू बी फ्री, क्योंकि वो पैसा जब आ जाएगा तो वो उस चीज को और आगे बढ़ाने के काम करेगा। फ्री किसी भी चीज की फ्री ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपको इस बात को आश्वस्त करना चाहता हूं, ना आपसे टैक्स लगेगा। सर भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा होगा तो टैक्स क्यों लगना चाहिए। दूसरी बात, हर किसी का एक डेबिट अकाउंट होगा जिससे जब आपके पास पैसा नहीं है आपको पैसा मिल जाएगा, लिहाजा आपको किसी बैंक से कर्ज लेने की जरूरत नहीं है, तो ये देश कर्ज मुक्त हो जाएगा। जब ये इनकम टैक्स और सभी लोगों के लोग फ्री हो जाएंगे तो इनको व्यवसाय में रखना है तो ये सपोर्टिंग रोल इनको दिया जाएगा। जब आप किसी काम को नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपसे अपॉइंटमेंट लेके आएंगे कि सर आई फील देयर सम प्रॉब्लम विथ यू, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। इस देश में कोई दिवालिया नहीं होगा, एक क्राइम फ्री भारत की घोषणा है। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय।